कोर्ट का फैसला आने को होता है, रमन कोर्ट के अंदर जाता है, उनका वकील साथ होता है और उनकी पत्नी होती है अनुष्का, वो भी कोर्ट के अंदर जाती है, इनका वकील साथ में होता है। जज साहब के सामने जब दोनों लोग पेश होते हैं, रमन और अनुष्का, तो जज साहब उनकी पत्नी से पूछते हैं, अनुष्का तुम कैसे रहना पसंद करोगी? तो वो कहती है कि मैं इनके साथ अकेले रहना पसंद करूंगी। फिर रमन से पूछा जाता है, आप कैसे अपनी पत्नी के साथ रहना पसंद करोगे? तो रमन कहता है कि मैं अपनी माँ और पिता के साथ रहना पसंद करूंगा, लेकिन अनुष्का जो होती है वो कहती है कि मैं अकेली रहूंगी, सास के साथ नहीं रहना चाहती। तो रमन जो होता है वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ सकता हूँ मगर माँ को नहीं छोड़ सकता। दोस्तों जब ये बात कही जाती है तो जज साहब ताली बजा करके रमन का स्वागत करते हैं। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। ये जो सच्ची कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ, शायद ये कहानी आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि आखिरकार पुत्र ऐसे भी होते हैं, बहू ऐसी होती है जो सास को रखना पसंद नहीं करती। दोस्तों रमन ये दिल्ली का रहने वाला लड़का होता है, इसका परिवार ठीक ठाक था और दो भाई होते हैं। रमन का एक बड़ा भाई होता है जिसकी शादी हो जाती है, माँ और पिता रमन होता है। तो जो अनुष्का नाम की लड़की होती है, दिल्ली से ही एक रिश्ता आता है और अनुष्का का विवाह रमन के साथ 2013 में हो जाता है। 13 में जब विवाह होता है, ये लोग बड़े हंसी खुशी से अपना परिवार चला रहे थे, ठीक ठाक चल रहे थे। जिस दिन से अनुष्का को विवाह कर रमन घर लाया, उसी दिन से मानो घर में दूध के अंदर खटाई शुरू हो गई। अच्छा खासा परिवार था। अनुष्का जो होती है, जो रमन की माँ की उम्र लगभग 50-55 साल की होती है, वृद्ध हो चली थी, तो ना ही तो वो सास की सेवा करती थी, ना ही सास को खाना की पूछती थी, ना ही ससुर को पूछती थी, और वो लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है। रमन एक दिन अनुष्का से कहता है, अनुष्का आखिरकार मेरी माँ तुम्हारी माँ हुई और तुम्हें सेवा करने के लिए अवसर है, मेरी माँ की सेवा करो और हम मना नहीं करते। तो अनुष्का कहती है, मैं सेवा नहीं कर सकती, अगर करनी है तो तुम्हारे भैया और भाभी करें, मैं तो सेवा नहीं कर सकती। जब रमन की माँ ये बात सुनती है तो वो माँ रोने लगती है, बेटा बहू को परेशान मत करना, बहू अगर मेरे सेवा नहीं करती है तो कोई बात नहीं है। लेकिन रमन कहता है, माँ तुमसे बढ़कर दुनिया में कोई मेरे लिए है नहीं। माँ एक माँ होती है दोस्तों, जिसकी माँ होती है उन्हें पूछो, जिनकी माँ नहीं है उन्हें पूछो कि उनकी जिंदगी कैसे कट रही है। कटती तो सबकी है, लेकिन माँ का साया कुछ अलग होता है दोस्तों। जिनकी माँ होती है वो बहुत बड़े भाग्य के धनी लोग होते हैं। दोस्तों रमन जब अपनी पत्नी को बार बार आगे पीछे समझाता है, लेकिन उसकी समझ में कोई बात नहीं आती। रमन को भी परेशान करना शुरू कर दिया, हर बात फोन उठाती है, अपनी माँ से फोन करती है, माँ जो होती है उससे भी ज्यादा भड़काना शुरू करती है, बेटी उस बुढ़िया की सेवा तुम मत करना, बुढ़िया क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती, और तुम्हें जो करना है वो अपना खुद ही निपटारा करो, अगर रमन से तुम्हारी पटरी नहीं खाती तो मैं अच्छे घर में दूसरे लड़का से विवाह कर दूंगी, आप रमन को डिवोर्स दे दो। माँ ने जब ये कहा तो अनुष्का और ज्यादा भड़क गई। अनुष्का को जब ये सहमति मिल जाती है तो वो काय को डाउन होती है और ज्यादा भड़क जाती है, यहां तक करती है कि रमन से लड़ झगड़ करके वो घर से चली जाती है। रमन चारों तरफ देखता है लेकिन बगैर बताए वो चली जाती है। रमन जब जान लेता है कि ये ससुराल गई हुई होती है तो रमन जाता है और अनुष्का से कहता है, अनुष्का घर पे चलो, घर देखो, आपका घर है, माँ थोड़े समय की है, वो मर जाएगी, उसका कौन है, जिसने मुझे पालकर बड़ा किया, सयाना किया, माँ को कैसा सदबा होगा, आप कैसी बातें कर रही हो। कुछ समय के बाद माँ पिता दोनों ही गुजर जाएंगे, फिर हम और आप रह जाएंगे, अपना अपना करना, अपना अपना खाना। लेकिन उसकी जो माँ होती है अनुष्का की, रमन पर भड़क जाती है,
कहती है कि तुम्हारी जो माँ बूढ़ी है उसकी सेवा मेरी बेटी बिल्कुल नहीं कर सकती है, करना है तो तुम्हें करो, तुम करो माँ की सेवा, लेकिन मेरी बेटी तुम्हारी माँ की सेवा नहीं कर सकती। दोस्तों रावण जब इतनी बात सुनता है तो आग बबूला हो जाता है, कहता है अनुष्का आखिरकार शादी होकर मेरे साथ आई है, क्या तुम मुझे अपने बंधन में बंधाना चाहती हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं लेकिन माँ को नहीं छोड़ सकता। दोस्तों कमेंट करके बताइए रावण ने ये बात जो कही वो सही कही या सही जवाब था। रावण फिर कहता है अनुष्का समझ लो, सोच लो क्या होना है, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं मगर माँ को नहीं छोड़ सकता। दोस्तों इतनी कहकर घर चला आता है, लेकिन वो नहीं आती, पचासों बातें कहती है। इसके बाद अनुष्का की माँ जो होती है वो कोर्ट में जाकर के डिवोर्स के कागज डलवा देती है। 2015 में 2 साल तक साथ रहने के बाद 2015 में इनका केस पड़ जाता है। तारीख पे आते जाते हैं, सब काम होते हैं, लेकिन जजमेंट नहीं हो पाता। 9 साल तक ये कोर्ट में केस चलता है। जनवरी 2023 में आकर इन लोगों को फैसला मिलता है, जजमेंट होता है। जजमेंट में इधर अनुष्का होती है, उसके वकील साथ में होते हैं, माता पिता होते हैं, और भी लोग होते हैं। इधर रावण होता है, रावण का वकील और भाई साथ होते हैं। ये लोग जब कोर्ट में पेश होते हैं तो जज साहब सबसे पहले अनुष्का से पूछते हैं, अनुष्का क्या अपने पति के साथ रहना चाहती हो, पति के साथ रहना पसंद करती हो? तो अनुष्का कहती है जज साहब मैं रहना चाहती हूं लेकिन अलग मकान होना चाहिए, लेकिन मैं इनकी माँ के साथ नहीं रहना चाहती, इनकी माँ के साथ मैं 1 मिनट नहीं रहना चाहती, मैं अलग रहना चाहती हूँ। उसके बाद में उन्हें पूछा जाता है रावण आप क्या चाहते हो, क्या माँ को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हो? तो रावण जो होता है वो कहता है जज साहब मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूंगा लेकिन माँ को नहीं छोड़ सकता, एक बार नहीं मैं 10 बार ये बात कहता हूं कि मैं पत्नी को छोड़ दूंगा लेकिन माँ को नहीं छोड़ सकता। जब इतनी बात जज साहब वकील जो लोग होते हैं सुनते हैं तो तालियां बजाना शुरू करते हैं। बात धन्य है पुत्र, माता पिता की यही इच्छा होती है कि बेटा अंत में बुढ़ापे में सहारा बने। तुम जो कह रहे हो इस पर मैं भी टिप्पणी नहीं करना चाहता, जो कह रहे हो वो आप ठीक कह रहे हो। अनुष्का से पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं रहना चाहती, आपको कारण क्या है? बोले इनकी माँ बूढ़ी है, उनकी सेवा कौन करेगा, मैं नहीं करना चाहती। हाँ मैं रहूंगी लेकिन मैं अलग रहूंगी, जे मेरे साथ रहें, लेकिन मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, इनकी माँ की सेवा मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं करना चाहती। जज साहब कहते हैं क्या तुम्हारा दिमाग सही तो है, क्या पागलपन है? अगर आपकी सास है तो सेवा कौन करेगा, कल तुम्हारे भाई का जब विवाह होगा, जज साहब बोले तब तुम्हारी माँ के साथ ऐसा होगा, तब क्या होगा? तुम्हारी माँ को तुम्हारी भाभी ऐसे ही कहेगी कि मैं सेवा नहीं करूंगी, तब तुम क्या करोगी? लेकिन उसकी समझ में कोई बात नहीं आती है। दोस्तों जज साहब जो होते हैं फिर एक बार समझाने की कोशिश करते हैं, अनुष्का अगर तुम्हारा दिमाग ठंडा हो गया हो तो समझ लो, क्योंकि आखिर घर अपना अपना ही होता है, तुम जो कुछ करोगी बर्बाद हो जाओगी। लेकिन उसकी समझ में नहीं आता। लेकिन रावण से पूछा जाता है आपका लास्ट फैसला, रावण कहता है कि माँ को नहीं छोड़ सकता, पत्नी को छोड़ दूंगा। जजमेंट तुरंत होता है, जो फैसला होता है, रावण जो भी होता है वो पैसा दे देता है, जो कुछ बनता है जो कोर्ट के द्वारा। उसके बाद में अनुष्का जो होती है अपने घर पैसा लेकर चली जाती है। लेकिन दोस्तों इस कहानी में मोड़ एक और लगा। अनुष्का जो होती है जो पैसा लेकर के गई थी, इसके भाई ने और इसकी माँ ने जो भी पैसा था सारा खा के बर्बाद कर दिया। कुछ समय चलने के बाद माँ जो इसकी होती है, एक बिजली का करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाती है। उसके भाई और भाभी जो रह जाते हैं अनुष्का को प्रतिदिन परेशान करना शुरू करते हैं। भाभी कहती है अगर तू इतनी ही अच्छी होती तो रावण कितना नेक लड़का था, तूने उसे ठुकरा दिया तो तू कहाँ की है, कितनी अच्छी है, तेरे गुण अच्छे होते तो तू ससुराल में रहती, आज रानी बनी हुई होती। और देखिए
कितना अच्छा लड़का था रवन, उसका दूसरा विवाह हो गया, वो सुशील लड़की घर में आई है, सास ससुर की सेवा करती है, उसे प्यार मिलता है। अगर तू कल मुही इतनी अच्छी होती तो तेरा प्यार तेरे सासरे में मिलता, अगर तू ऐसी है तो यहां से निकल जा, यहां से दफा हो जा। जब भाभी ने ऐसी बातें कही तो उधर जो अनुष्का होती है वो घर छोड़कर चली जाती है और अपनी आत्महत्या एक नहर में कूद करके कर लेती है और मर जाती है। दोस्तों, क्या रवन ने सही किया? क्या रवन की जो भाई और भाभी थे उन्होंने सही किया जो अपने को लेकर के चले और उनकी शादी हो गई, अच्छा काम किया? दोस्तों, इस कहानी में यही मिलता है कि पछताना बाद में होता है जब सब बिगड़ जाता है। इस प्रकार रवन ने अपनी माँ को अपने पास रखना उचित समझा और ऐसा होना भी चाहिए। दोस्तों, माता पिता के लिए संतान कैसी भी हो लेकिन संतान नेक होती है, वही हिसाब होना चाहिए। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में अवश्य बताइए क्या रमन ने उचित फैसला लिया। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।